जी मेरा नाम सैफुद्दीन है सर, मैं गोलीपुरा से हूँ। कि ये एक गरीब आदमी का बच्चा रात अजान के टाइम में शाम को यहाँ वाराणसी लेकर ये चीता लेकर लेके चले गया, मार दिया इसने ये। उसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ वालों को भी फ़ोन किया था, वो भी नहीं आए। यहाँ आर्मी पहुँची, पुलिस पहुँची, आप पहुँचे सर। रात 8 बजे ये वाक़ा हुआ है। उससे बाद इस वक्त तिकर भी ज़िला हुकाम की कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है सर। तो ये गरीब आदमी है, हम ज़िला हुकाम को, DC साहब को, LG साहब को हम अपील करना चाहते हैं। जिसका ये एक बच्चा था, इसका ये जो पापा ये मौजूर है, टांग इसकी टूटी हुई है सर, मेहरबानी करके इसको जो होता जो आता है या कोई चीज़ इसको मिलना चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। एकदम घोरा बन चुका है सर। इसको ज़िला इंतजामिया को हम यही अपील करते हैं कि ये मरना चाहिए सर, क्योंकि इससे पहले आज स्कूल में बचे गए ही नहीं सर। यहाँ पर लोगों का जीना बहुत बहुत से मुश्किल हो गए सर। हम पूरी गवर्नमेंट को हम अपील करना चाहते हैं ये मरना चाहिए सर, और इसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। इसका ये एक ही बच्चा था, दोनों टांगों से ये मंजूर है सर। मेहरबानी करके इसको जो इस बच्चे के पापे को इसके वारिसों को इंसाफ मिलना चाहिए सर। करीबी रिश्तेदार हैं, तो कल शाम को शाम की अजान के साथ साथ ही इस बच्चे को यहाँ सीढ़ी के साथ, ये सीढ़ी है ना जो मकान में दाखिल होती, यहाँ बच्चा था और इसको यहाँ से उठा गया वो शेर। तो यहाँ बहुत कोशिश की थी हम लोगों ने, पहले भी यहाँ राजपुरा में भी नुकसान हुआ है और जगह भी नुकसान हुआ है। बादों ने भी दो बंदे को ज़ख्मी किया और एक बंदा तो जान ही से चला गया, दूसरा बंदा अभी जख्मों में मुबतला है। और वो शेर आता है, वो बार बार यहाँ लोगों को तंग करता है, तमाम फसल भी खा गया वो बादू, और शेर भी तंग करता है, माद को भी खाता है और इंसानों को भी। आदमखोर बन गया है, कोई नहीं सारा यहाँ आया, ना कोई वाइल्ड लाइफ वाला आया, ना महकमा माद वाले आए, अभी कोई नहीं पहुँचा यहाँ। तो यहाँ रात के कम से कम 1 बजे 2 बजे के करीब ये जंगल से इसको लाया फिर वापस। तो ये खूनखार शेर हो गया और इसने क्या काम किया, इस बच्चे का नुकसान किया। इसका जो वादा था ये इनका देखो, इनका सहारा, ये क्या हाल है। तो इनको ना कुछ खाने के दिए, ना कुछ पीने के दिए, कोई सहारा ही नहीं है। वो बच्चा था और कुछ बच्चियाँ हैं, लेकिन ये बेचारा मजबूर है। अब इसको इतनी उम्र में ये एक बच्चा हुआ था, तो ये इसका क्या हाल हो गया। 7 साल का था ये बच्चा। शाम को अजान वहाँ चल रही थी, यहाँ से ये बच्चा यहाँ पेशाब पर बैठा था, इधर दरवाजे के साथ, इधर सीढ़ी के साथ में जी, वो छोटी लड़की गिर गई थी उसको। तो वो उठाए, लेकिन बच्चे को उठा दे निकले, सब गांव वाले निकले और वाइल्ड लाइफ को भी फोन किया, सबको फोन किया, कोई नहीं आया। लेकिन ये गांव की जो बरादरी है, बरादरी ने इसका साथ दिया और ये तो जान से माजूर है। जरा ऊपर ये जान से माजूर है, लेकिन गांव वालों ने इसका साथ दिया और तावन दिया, ये जंगल से लाए वहाँ सारे एक है, उधर से लाए ढूंढ कर, और रात के 2 बजे इसका जनाजा हुआ। हम DC साहब से अपील कर रहे हैं, अर्ज दाश्त हैं कि वो मेहरबानी करके इसके साथ इंसाफ करें, क्योंकि ये उस लायक नहीं है, ये बहुत गरीब आदमी है। और वाइल्ड लाइफ वालों से भी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके इसका तहफ़ करें, क्योंकि वो बार बार उनको बताते हैं, वो कोई तहफ़ ही नहीं करते।